खबरों युगो लुकों के सरपंच श्री सोनम अंगचुक जी हैं, नंबरदार श्री कुंचुक सोपगेस जी हैं और हमारे सीनियर लीडर जी श्री अंगचुक जी हैं और पांच मेंबर हैं चिल्लेश जी हैं। तो आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद यही है कि हाल ही में जो डिसएंगेजमेंट हुआ था उसमें कई जो नोमेड्स की हमारे पोबरांग युगो लुकुंग के जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया है उसको मैक्सिमम जो है नो मैंस लैंड करार दिया, बफर एरिया करार दिया। न सिर्फ मैं ये कुगरांग वैली और हॉट स्प्रिंग पीपी 17 की बात करूंगा, आज तक जितनी भी जो डिसएंगेजमेंट हुआ फ्रॉम पीपी 15 से लेके चुशुल के मुखपरी तक हमारे नोमेड्स की जितनी भी लैंड जो है वो बफर एरिया बना, जिसकी वजह से विंटर के ग्रेजिंग एरिया हो समर के ग्रेजिंग एरिया हो वो जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। तो इसी विषय को लेके आज हम सब यहाँ आए हैं और लोग जो हैं इतना ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जाके बोलना है। तो मैंने बोला कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के थ्रू या मीडिया के ज़रिए ये बात को जो है आगे रखूँगा। तो जैसे चुशुल की बात करते हैं तो मैं तो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूंगा क्योंकि 2020 के जो एपिसोड हुआ वो पूरा जो है चुशुल कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही हुआ, चाहे फिंगर एरिया हो चाहे ब्लैक टॉप ग्रूंग हिल रिजंगला रिंचनला मुखपारी हर जगह और इसी तरह कल के जो तीन फ्रिक्शन पॉइंट है वो सब में जो सब एरिया जो है चुशुल कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉल करते हैं। लेकिन कल की जो डिसएंगेजमेंट में एक हैरान करने की एक हमें जो विषय जो है उसमें आया क्योंकि फ्रिक्शन पॉइंट में पीपी 16 कहीं नहीं था, जो डिस्चार्ज ग्राउंड बोलते हैं पहले वहाँ पर डॉपिंग हुआ करते हैं वो एरिया जो है उस फ्रिक्शन पॉइंट पे नहीं था, लेकिन हमारे फोर्स जो है उस फ्रिक्शन पॉइंट से भी नीचे आया। उसके बारे में अभी हमारे सरपंच जी नंबरदार जी और जितने भी लोग आए हैं वो डिटेल से बताएंगे। लेकिन आज तक जितने भी ये इशू हुआ हम सब ने मिल के पहले भी एक बार हमने मैनपंगोंग ए और मैनपंगोंग बी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हमें हमारे तरफ से जितने भी जो इशूज़ हैं हमारे तरफ से जितने भी जो लोकल्स को जो इशू फेस करने पड़ रहा है उस सब में हमने रखा, लेकिन अभी तक कुछ ज़्यादा उस पर हमें रिस्पॉन्ड जो है ऊपर की तरफ से भी हमें नहीं मिला, जिसके वजह से अभी भी देख रहे हैं कि चुशुल में विंटर के मैक्सिमम ग्रेजिंग एरिया जो है रिड्यूस हो चुका है। हाल ही में हार्ट इवन जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया जहाँ है वहाँ पे हम नोमेड्स हार्ट दे रहे हैं, उस हार्ट के लिए भी हमें पीछे हटने के लिए बोला। तो हमने ठाना कि उस एरिया में ही लगाना है जहाँ पे पहले हैं, तो उस पर हम अपने स्टैंड पूरा क्लियर रखा तब जाके वहाँ पे हार्ट लगा पाया। तो वो जब एक बार हार्ट लग जाता है वो जो है हमारे लिए एक लैंडमार्क वो एरिया जो है बन जाता है। तो हम अपनी तरफ से जितने हो सके जितने भी ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया है उस सब को रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्मी और सिविलियंस के बीच एक कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से ये जो है देखने को मिल रहा है। और हमारे जितने भी बशिंदे हैं वो पूरा जो है लाइफ स्टॉक पे डिपेंड है, इसी पे ही हमारे घर चलता है, यही हमारे रोजी रोटी है। तो उसको भारत सरकार ध्यान देना चाहिए और सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि हमारे एरिया ही क्यों बफर एरिया किया जाता है, बाकी जो कुगरंग एरिया हो जो फिंगर एरिया हो उसके बारे में बाकी हमारे लीडर्स जो है ब्रीफिंग करेंगे। नमस्ते, मैं कुंचोक सोपगेस पोबरांग के नंबरदार है जो कि ट्रेडिशनल हेड ऑफ द विलेज होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कल के जो डिसएंगेजमेंट के वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ों पे अफेक्ट हुआ है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हमने ये सोचा है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद हमने ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जैसे ये चांग छेनमो एरिया है वो एक वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट है, हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुगरांग नाला में जो रेयर स्पीशीज है जीरू है आर्गली है और डोंग जो वाइल्ड याक कहते हैं वो है, हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म होगा, हम ये चाहते थे कि वहाँ पर हमारे पास्चर लैंड ज़्यादा ग्रो होगा, उसमें हमारे लोगों को पश्मीना गोट्स के पालने के बढ़ावा देगा,
उस पर लोग ग्रेजिंग करेगा और उससे जो दुनिया भर में फेमस जो पश्मीना है उसकी ज़्यादा बढ़ावा होगा, इसकी ज़्यादा उपजाऊ होगा और लोग उससे बेनिफिट होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और रिसेंटली जो डिसएंगेजमेंट की बात चली तो हमने सुना कि अब आर्मी ही हट गया है। पहले हमें जाने नहीं देते थे, अब आर्मी खुद भी पीछे हट गए हैं। उसका मतलब है हमने पूरी तौर पर ये ज़मीन एक नो मैन लैंड की तौर पर खो दी गई है। तो चाइना में बेस्ट फाइन पश्मीने का कंपटीटर लद्दाख है। अब वो कंपटीशन ही ख़त्म हो जाएगा जब हमारे पास ग्रेजिंग लाइन लैंड नहीं होगा, तो हम उस पर पश्मीने के बढ़ावा करना या उपजाऊ ज़्यादा करने की कोई बात ही नहीं होता है। हमने ये सोचा था कि लोग वहाँ रहे, हमने बहुत कोशिश की है। पिछले कई सालों से हमने कहा कि बूढ़े बुजुर्गों का गांव ना रहे, यूथ भी आके उसमें रहे, गांव खुशहाल बने और गांव बढ़ते जाए, गांव में पॉपुलेशन ज़्यादा हो, तो वो हमने उम्मीद किया था। लेकिन एक सस्टेनेबल जो लाइवलीहुड होगा तभी वो लोग वहाँ रहेंगे। ज़रूरी ये है कि लोगों को क्या इकोनॉमी है, लोगों की इकोनॉमी पे डिपेंड किस तरीके से रहना है। ये ट्रेडिशनल जो लाइवलीहुड है वो सस्टेनेबल हम मानते हैं, ना कि जो अभी के जो टूरिज्म और बाकी जो छोटे मोटे एक्टिविटीज़ हैं वो सारे फॉर द टाइम बीइंग है। लेकिन जो सस्टेनेबल जो जहाँ पर हम रहते आ रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, वो है हमारे लाइव स्टॉक्स। अब लाइव स्टॉक्स के लिए ग्रेजिंग बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। पश्मीना गोट्स दिन के 12 किलोमीटर के रेडियस में जब वो चराते हैं तब जाके उसका न्यूट्रिशन पूरा होता है। ऐसा नहीं है कि घर में बंद करके उसको स्टॉल फीडिंग किया जाए, स्टॉल फीडिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि एक फैमिली को एक खाली पश्मीना गोट्स पर सस्टेन होने के लिए हमें कम से कम 300 से ज़्यादा भेड़ बकरियां पलना पड़ता है। ऐसे में स्टॉल फीडिंग करना, हम ये दे देंगे, हम इस पर सप्लीमेंट फॉडर देंगे, वो लगभग यूज़फुल नहीं है। हमें चाहिए ग्रेजिंग एरिया जो कि पुराने ज़माने से हमारे पास थे, अब वो हमसे छीन रहा है, वो हमसे हमारे हाथ से निकल रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर में पश्मीना इंडिया के जो प्राइड करके हमने कोशिश की थी कि पश्मीना के ग्रो होगा, इंडिया में भी एक ऐसा फाइबर है जो इंटरनेशनल मार्केट्स में फ्लोरिश करेंगे, वो उम्मीद ख़त्म हो गया है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात है, हमारे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट क्लेम करते हैं कि कुकरंग से लेके पेंगोंग से लेके हर एरिया में 4000 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा वाइल्ड लाइफ का सेंचुरी है। ऐसे पेपर्स में सुना जाता है, ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो 4000 छोड़ के हमारे रहने के 600 जो स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है उसमें भी वाइल्ड लाइफ आते रहते हैं। हमारे जो पास्चर लैंड है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि आर्मी की ज़्यादा मूवमेंट होने की वजह से हर जगह पर वाइल्ड लाइफ का जगह जो है ना बहुत कम होते जा रहा है। आप अगर इस तरीके से मूवमेंट बढ़ते जाएंगे, इस तरीके से लोगों को काम करते जाएंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाते जाएंगे, तो हमारे गांव में रहने सहने के जगह में मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग फायरवुड कलेक्शन के लिए जाते हैं, फोबरांग से नागलुंगपा तक जाते हैं और फोबरांग से सोकसालू तक या क्याम तक जाते हैं, उन सारे एरियाज में आजकल रिस्ट्रिक्शन है। ये रोड के ऊपर चरागाह नहीं करना है, रोड के ऊपर भेड़ बकरियां नहीं छोड़ना है, इतने रिस्ट्रिक्टेड महदूद जगह पे चरागाह चराना पड़ता है कि लोग एक दो महीने के बजाय एक महीना ही चराई करके वापस आ जाते हैं। तब फिर विंटर पास्चर लैंड पे फोर्स होता है, विंटर पास्चर लैंड ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है समर ऑटम में ही, तो विंटर में फिर कहाँ जाएंगे? अब विंटर का पास्चर ऑटम में ख़त्म हो जाता तो फिर विंटर में कहाँ लेके जाएंगे? ये सारे सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करने की ज़रूरत है। जब भी आर्मी का कोई डिसीजन होता है, बॉर्डर का कोई डिसीजन होता है, हमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं करते। एक्चुअल देखा जाए तो कल बहुत सारे एजेंसीज ने मुझसे मांगा कि आपके रेवेन्यू का कोई पेपर होगा, पेपर दे दो। पेपर तो ना इंडिया के पास है तो ना चाइना के पास है, किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है, इसीलिए तो रो रहा है। एविडेंस है, वो है तो जहाँ पर लोकल्स रह रहे थे जनरेशन टू जनरेशन, वो एविडेंस है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग अभी भी जिंदा है जिसने, मैंने यहाँ पर मेरा ये बच्चा यहाँ पैदा हुआ करके दिखाते हैं PP16 में, PP17 में, मेरे यहाँ पर इतने सारे लाइफ स्टॉक्स होते थे, मैं यहाँ याक रखते थे, यहाँ गोट्स रखते थे, यहाँ शीप रखते थे, वो एविडेंस है।
बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि जब भी ऐसे कोई इंटरनेशनल इश्यूज हो उसमें चाइना की तरफ जो तिपती है और इंडिया के जो साइड में हमारे जो नॉमेट्स है, लद्दाखी नॉमेट्स है, इंडियन नॉमेट्स है, उनको बुला के भी एक बार कंसल्ट तो कर ले कि है किसका ये जगह। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने मतलब से चलते रहते हैं, आर्मी चाहते हैं कि उसका 2 साल के टेन्योर कैसे निकाला जाए, उस तरफ से चाइना करते जा रहे हैं। ऐसे में लॉसेस सबसे ज्यादा भरपाई हमको ही करना पड़ता है नॉमेट्स को। तो ये हमारी उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग रोज रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ, पश्मीने की ग्रोथ हो, हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम अच्छा रहे, एनिमल हस्बेंड्री का अच्छा ग्रोथ हो। ऐसे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके गांव में गवर्नमेंट की एजेंसीज भी आते हैं। अब एक तरफ से इस तरीके के अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, दूसरी जगह से जमीन ही छूट रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। गवर्नमेंट, हम देश इंडिया देश के सारे गवर्नमेंट के जितने अंग हैं उनमें एक तालमेल तो हो कि पैसा कहाँ लगाना है और लगाने के लिए जगह है कि नहीं है। तो वो तालमेल की बहुत बड़ी कमी है। आर्मी अलग से चल रही होते हैं, लोग अलग से चल रहे होते हैं, सरकार कुछ अलग से बोल रहे होते हैं। ऐसे जो सिचुएशन जिसमें कोई तालमेल नहीं होगा, इसमें इंडिया का ही लॉस रहेगा और किसी का लॉस नहीं जाएगा। और उसका डायरेक्ट इफेक्ट सबसे पहले हमारे गाँव वाले नॉमेट्स को लगेगा। इसके बाद सारे सप्लाई चेन जो पश्मीने का है, जहाँ तक ये पश्मीने का बेनिफिशरीज है, वो सारे सप्लाई चेन को अफेक्ट करेगा। एंड फाइनली इंडिया के जो एक सुप्रीम फाइबर है, क्वीन ऑफ फाइबर बोलते हैं पश्मीना, उसको धक्का लगेगा। और ये कम्पीट हम इंटरनेशनली करते हैं, उसकी माइक्रोन देखिए, बिलो 14 माइक्रोन जो हम क्लेम करते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्वांटिटी ही मुट्ठी भर के होंगे तो उसका क्या कम्पीट करेंगे। अब उसको ग्रो करने के लिए हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, करोड़ों में पैसे आते हैं। अब पैसा लगाएगा, बॉर्डर का जो चरागाह है हर तरफ से श्रिंक होते जा रहे, तो ऐसे में ये बहुत ही एक मुश्किल है। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ, मोदी जी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे को कोऑर्डिनेशन में लेके, कॉन्फिडेंस में लेके क्या किया जाए, एक प्लान बनाए। हमारे गाँव में 113 हाउस होल्ड है जिसमें 615 लोग हैं, और हमारे जो एरिया जहाँ तक हम सस्टेन कर रहे हैं वो 600 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा ग्रेजिंग होता है, उसमें वो रहता है। तो अगर ये हमारे जो लाइवलीहुड पे अफेक्ट पड़ता है, तो हमें एक सब्स्टिट्यूट जगह दिया जाए 600 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें हम आपकी तरह आपके हिसाब से हम सेटल हो जाएंगे, आर्मी के हिसाब से फिर सेटल हो जाएंगे, हम वहाँ बैठेंगे। तो अदरवाइज ये बंजार जमीन है करके छोड़ते जा रहे हैं। बंजार को क्रॉस करके तो हरियाली को भी कब्जा कर सकता है, ऐसा नहीं है कि बंजार छोड़ते जाएंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है। बंजार की भी वैल्यू है, उसमें जो वाइल्ड लाइफ सस्टेन करता है, उसमें जो पश्मीना का गोट्स जो सस्टेन करता है, उस वैल्यू से भी एक बार नज़र लगे। हर चीज़ हरियाली पे महदूद नहीं रहता है, बंजार के भी वैल्यू होते हैं। भगवान ने ऐसे ज़मीन बनाए है जहाँ कहीं ना कहीं कोई उपजाऊ, कोई बेनिफिट्स, कोई अच्छा फर्टिलिटी वो हर किसी ज़मीन पे दी हुई है। तो नज़रअंदाज ना करें इस चीज़ों को, और बॉर्डर के लोगों के जो इश्यूज हैं उसको ज़रा सीरियसली ले लें। ये मेरी निवेदन है, ये मेरी आपसे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि एक मजबूरी है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, हमें कोई खुशी नहीं है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैंने अपना बातें रख लिया, ये एक मजबूरी है। इस मजबूरी को समझ के कुछ ना कुछ सेटलमेंट का है, और फ्यूचर में हमें आर्मी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। हमें वहाँ ज़िंदा रहने के लिए फायरवुड कलेक्शन के लिए जाना पड़ता है, मैन्योर लाना पड़ता है। ऐसा कोई फर्टाइल ज़मीन नहीं है जिसमें मैन्योर ना डाले कुछ उग जाए। हमारे जो छोटे छोटे हमारे खेत है जो एग्रो पेस्टोरियल एरियाज में, हमें ये रखना ज़रूरी होता है क्योंकि बार्ली उगते हैं, पल्सेस उगते हैं, वो सेल्फ सस्टेंस के लिए है। उसको उगाने के लिए हमें प्लेंटी ऑफ मैन्योर चाहिए होता है, जो कि मैन्योर हमारे भेड़ बकरियों से, माउंटेन्स के हर एरिया से कलेक्शन करके वो डाल के तो फिर हम कुछ उगाते हैं। तो ऐसे मैन्योर कलेक्शन के लिए, फायरवुड कलेक्शन के लिए, ग्रेजिंग के लिए आर्मी का हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, मिनिमम हो। हम आईडी प्रूफ दे के लोकल रेजिडेंट्स को आसानी से छोड़ दें, और फ्यूचर में ऐसे अगर